हरताली का तीज के दूसरे दिन तृतीया के बाद क्या आती है? जम के बोलो, जम गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठते। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में पांच बार तो उसने स्नान किया, पांच बार श्रृंगार धारण किया, और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन रहना, भगवान के भजन में डूबी रहना, उसका एक काम। उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया, रात्रि को सुंदर पुलारा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, पुरोंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा? सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरताली का व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाएं, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास, कई कई लोगों की आदत रहती है केवल पूजन करने के टाइम पर आती हैं, पूजन करी अपने घर जाके बैठ जाते हैं, जहां फुलेरा बन रहा है, जहां भगवान शंकर की आराधना हो रही है, जहां हरताली का व्रत हो रहा है, वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी, हाँ स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठ कर करते हो। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी, स्वामी, क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए, क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ चले जाता हूँ। क्या आप शिवजी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा?
एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रौंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रौंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रौंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमय अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया, द्वार बंद करा। मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था। स्मरण होना चाहिए आप। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रौंच गंधर्व प्रवेश कर गए। और गलत सोच से, गलत विचार से, बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठ कर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल पराई, बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अवधे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखा, अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ सार तत्व है, आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो, बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है महाराज, चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? और दिल करे तुम्हारा कि हाँ कथा सुनना है और इसमें से कुछ ग्रहण करना है, कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन की सार्थक एक पत्र आए, पत्र में आया देखिए।
अंजुलेश नवीन जयसवाल हिंगोली से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजुलेश नवीन कुमार जयसवाल हिंगोली की रहने वाली हूँ। हम नौ पांच को 2022 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे और हमें रुद्राक्ष भी मिला था। हमें मिलने के बाद उसी दिन रुद्राक्ष बटना बंद हो गया था। बाबा की कृपा से हमें 3 महीने में फिर बाबा के दर्शन हिंगोली में हो गए। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद बाबा। गुरुजी मेरे देवर की पीठ में दर्द था, फिर हमने हिंगोली में ही डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी करवाई। उसमें मेरे देवर की एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जरा ध्यान देना कथा पर, शांति रखूंगा, बटल न लिखूंगा। डॉक्टर को बताया और सोनोग्राफी की, उसमें देवर की एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और दूसरी आधी खराब हो गई थी। हिंगोली के डॉक्टर ने डायलिसिस करने का बोल दिया था। उसके बाद दवाखाने में से आने के बाद हमने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, तो भी उन्होंने एक ही बात कही कि इसकी किडनी बेकार हो गई है। तब हमने विचार करा क्या करा जाए। तब एक लोटा जल, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का प्रयोग कर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ किया। उनके हाथों से जल चढ़वाते, सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे हमने उसको गला कर पानी देना और उसी रुद्राक्ष को उनके गले में पहना दिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब हम हमारे शहर के आसपास के सारे डॉक्टरों को दिखा चुके, अब लास्ट है, हम इनको नागपुर लेकर जा रहे हैं, पर बाबा आप संभाल लेना। रुद्राक्ष पहनाकर जो कुबेरेश्वर धाम सीहोर से रुद्राक्ष लाए थे वो उनके गले में डाल दिया और उनको नागपुर भेज दिया। नागपुर लेकर गए, दूसरे दिन उनका वहां टेस्ट चालू हुआ और सारी रिपोर्टें आना जब प्रारंभ करी, हम हमारे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे थे। देवर को कहकर बोला था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, रुद्राक्ष नहीं हमने शंकर भेजा है। ये विचार कर हमने जब देवर को भेजा और उसकी रिपोर्टें जब आना प्रारंभ हुई, सारी रिपोर्ट नील आना प्रारंभ हो गई और हमारा देवर ठीक हो गया। अब तो ठीक है, बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है, बड़ा सुन। हिंगोली सात माता मंदिर के पीछे गुरुजी आपको प्रणाम। सात माता मंदिर के पीछे से हम मेरी ये पत्र जिसने लिखा है वो खड़े हो सकते हैं, हाथ हिलाइए। मेरी पोती का नाम आरोही रवि लोध है, उनकी उम्र 8 साल की है। कहीं बैठी हो हाथ हिलाइए। वह बचपन से एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। हम हिंगोली के निवासी हैं, सात माता मंदिर के पीछे रहते हैं। 5 मार्च शनिवार 2022 को दोनों भाइयों के वाद विवाद में मेरी बच्ची को डर लग गया और टेंशन के कारण उसका चलना फिरना बंद हो गया। मेरी बेटी का शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और रो रो के वो बेहाल हो गई। एक ही शब्द कह रही थी, मत झगड़ो, और गिर गई। तुरंत हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसका एक भाग पैरलिसिस हो गया है, इसको लकवा लग गया है, पैरलिसिस हो गया है। फिर उन्होंने उसे इंजेक्शन देकर तुरंत नांदेड़ ले जाने को कहा। नांदेड़ के डॉक्टरों ने एमआरआई किया और बताया कि बच्ची का सर, दिमाग की नस फट गई है, उसका रक्त निकलना प्रारंभ हो गया है, इसलिए इसको बोलना बंद हो गया, काम करना शरीर बंद हो गया,
सुध चली गई और उसका भाव ऑपरेशन करना पड़ेगा शीघ्र अभी ही। 3 दिन के अंदर इसकी जान को खतरा है, इसका रिसाव चालू हो चुका है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमने उसी पल उसी घड़ी करना प्रारंभ कर दिया। बेटी चली गई बेहोशी में, होश नहीं, हमने उसके हाथ को पकड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 4 घंटे के अंदर बेटी को वापिस होश आ गया और डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक हो जाएगी, इसको घर ले जाओ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्र है गुरुदेव। 10 दिनों में ही बेटी थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दी, उसका जो पैरालिसिस था वो आराम लग गया। भोले बाबा की कृपा से आज हमारी बच्ची पूरी तरह से चलने बोलने लगी है, स्कूल जाने लगी है, यूनिफॉर्म आदि कादिक सब पहन कर जाती है। हमने टेस्ट पर टेस्ट करा लिए, अब हमारी बेटी पूर्ण तरह से आराम है, ऑपरेशन नहीं करने दिया बाबा ने। ये शिव है, उस बेटी का फोटो भी लगाया, देखिए जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये शिव है औ घड़ी, शंकर कृपालु तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के घेरता, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। मैं क्या वर्णन करूं, समझने वाला नहीं समझ सकता कि शिव ऐसा क्या है। किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करो, बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो, जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्य तक अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल लेगा, किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई, छूटने के बाद में पति ने एक प्लांट था, प्लांट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर, कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई, पत्र है शरद महादेव व्यवहारे परवणी महाराष्ट्र से, पत्र देखिए उन्होंने लिखा है। मेरा नाम शारदा महादेव व्यवहारे, मैं परवणी महाराष्ट्र से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा महाराज। पिछले साल महीने में परिवार बहुत परेशानियों में हो गया था गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी छूट गई और हमने छोटी सी जगह ले ली थी जिसपे बैंक से कर्जा लेकर मकान बनवा लिया। गुरुदेव नौकरी की समस्या आ गई, पति बहुत मानसिक टेंशन में रहने लगे, गुजर बसर का भी दुख हो गया, भोजन के लाले हो गए, मकान बेचने की कतार पर आ गया। गुरुदेव बड़ा फैसला लेने को मेरे पति ने कह दिया कि अब ये मकान बनाया है अपन इसको बेच देते हैं, बेचकर कर्जा चुका देंगे, नौकरी नहीं भी है तो कहीं से गुजारा तो चल जाएगा। फैसला लेकर
एक तरफ मकान था, दूसरे तरफ पति का टेंशन था कि ये बीमार ना पड़ जाए। तो हमने भी कह दिया ठीक है मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी आपकी और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, उसे सुन और सुनकर टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर और जो उपाय बताए वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने भी करा होगा। श्रावण के शिवरात्रि पर जब निर्माण करवाया तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरे पति को उस पूजन करने के तीसरे दिन ही जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। ये शिव है, ये शंकर है। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नगर शहर आओ। आपने दिल से अगर उसको पुकारा है, आपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, आपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं, जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है, और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा तीन महीने में ही, जा जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था मैं लंकेश हूं तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे। घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, एक सेठ जी हमेशा यही के रोते थे, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मुझे इतना चाहता है, इतना कि मैं एक मिनट नहीं दिखूं तो हमारा घर का लोग मुझे ढूंढने निकल जाता है। तो इतने में गुरुजी आए उनके गांव में, गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं कितना चाहता है, तो एक काम करो ना, थोड़ी आधा घंटा के लिए मरीज जा। तो क्या आधा घंटा के लिए कोई मरता है क्या? नहीं बस तुम ऐसा पानी पीते पीते लुढ़क जाना। गुरुजी बोले हम डॉक्टर को बुलवा के खिलवा देंगे, ये मर गया, उठना मत ही, बस हो आधे घंटे बाद हम उठा देंगे, हम भी तो देखें तेरा परिवार कितना तुझे चाहता, चल मर। उसने कहा गुरुजी मेरे मरने पर मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोते को कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते। गुरुजी बोले सबकी जवाबदारी हमारी, तुम मरो, पानी पियो जल्दी, और ऐसे पीते पीते गिलास समेत लुढ़क जाना, हम खिलवा देंगे डॉक्टर से कि तू मरी गया। तो डॉक्टर कैसे बोल देगा भरा कि जिंदा के मर गया, वो तो हमारी मर्जी, तुम तो मरो, चलो मरो, बस आंख मत खोलना, पड़े रहना ठीक है। और सेठ जी और हमारे परिवार को कुछ हो गया, हम बैठे ना, तुम तो मरो। और पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए, लुढ़कते से ही डॉक्टर को बुलाया, गुरुजी ने उनको इशारा कर दिया कहीं इसको कह दे मरी गया, तू भी यहीं बैठे रहे, और डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। और पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब डिजाइन डिजाइन में रोई, खूब सारा घर का लोग रोया, खूब रोई, महाराज सेठ चले गए, खूब धाड़ धाड़ के रोई, मुझे तो बोलते एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चल जाती, मेरे को अकेली छोड़ रहे, खूब रोया।
गुरु जी बोले सेठानी मत रो, क्यों रो रही है, मेरे को बताया था मेरे को अकेला छोड़ गए। इतने में गुरु जी ने झोली में से पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा सेठानी इस पुड़िया में एक ऐसी चीज है तू खाएगी तू मर जाएगी और सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, ले खा ले। इतने में तो पत्नी रोती हुई बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, अब धाड़ इनकी उम्र हो गई। सेठ जी उठने वाले थे, इतने गुरु जी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। सेठ जी मन में सोचे अभी तीन दिन पहले तो कह रही थी तुम अभी तक ऐसे लगते हो बिल्कुल युवान जैसे, और अब क्या करी उम्र हो गई। छोरा रो रहा था, तू क्यों रो रहा, मेरे पापा चले गए पिताजी चले गए, तू क्यों रोता, ले बूटी तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। छोरा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे सारा काम अब तुझे ही संभालना है इसलिए इनको आराम से जाने दे। छोटा सा पोता वो रो रहा था, तू क्यों रो रहा है, मेरे दादाजी मर गए तो रोने की क्या जरूरत है, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, चाउमीन खिलाने कौन ले जाएगा। भगर भगर बोलते कि भग गया, बगर बगर जो भी वो कौन खिला, तो तू क्यों रोता, ले ये बूटी तू खा ले तू मर जाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में से छोरा रोते रोते गुरुजी के गोदी में जाके बैठ गया। गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं तुम्हारे कोई पीछे नहीं तुम नहीं खा लो। गुरुजी गजब सब मिलके गुरुजी को खवा रहे। इतने में गुरुजी ने सेठ जी से कहा उठ जा नाटक बंद करो उठ जा, अभी तो कह रहे थे कि मेरा घर मैं मर गया सब मर जाएंगे मैं चला गया सब रो रो के बेहाल हो जाएंगे कोई बूटी नहीं खा रिया और तू जोर 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 8 बजे से दुकान खोल कर बैठा रात को 10 बजे तक ग्राहक आ रहा है ग्राहक आ रहा है ग्राहक आ रहा है जोर 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 सुगर बीपी ब्लड प्रेशर सब कर लिया शरीर में नरक जैसा शरीर कर लिया घुटने काम नहीं कर कमर काम नहीं कर आड़ा टेढ़ा होके चले भगवान से कि भगवान भगवान अब भगवान भी कह पूरा शरीर बेकार करा जोर जोर के जिनके लिए मरा के उनसे कि थोड़ा आधा घंटा बैठो मेरे शरीर की मालिश करो छोरा से के 1 घंटा बैठ मेरे शरीर की मालिश कर पत्नी से बोल जिसको कमा कमा कर दिया था जिस छोरे के लिए बिल्डिंग बना कर दी थी उसको बोल पोते को बोल कि मैंने इतना छोड़ कर जा रहा हूं मेरे शरीर का देख रेख करो कोई नहीं आएगा इस शरीर को खुद को भोगना पड़ेगा अकेले आए थे भेरू अकेले ही जाओगे कोई काम नहीं आएगा ना जगदम्बा ना चंद्रघंटा किसी काम की नहीं इसलिए निवेदन है अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है कोई दूसरा नहीं भोगेगा ये तो खजूर वाली चोटी बन चक्कर तुम अच्छे से रहो अपने कर्म का भोग भोगना इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आती है कभी 1 बजे से 4 बजे तक आती है अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए और बन सके तो एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करो अपना जीवन संवारने के लिए मत करो दान नहीं चाहिए किसी को धन तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं दे सकते मत दो किसी को तुम अपना समय भी नहीं दे सकते मत दो तुम अपना धन दौलत किसी को नहीं दे सकते मत दो पर एक लोटा जल तेरे घर में जो फ्री का मिल जाता है वो फ्री का ही लोटा उठा ले और उसी जल को चढ़ाना चालू कर दे तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये सारे पत्र लोगों ने जो जल चढ़ाया है ये उसका प्रमाण है कि हमें बाबा ने क्या दिया है मौत के से निकाल कर लिया आया वेंटिलेटर पर आईसीयू में पड़े रहोगे डॉक्टर अपना काम करेगा परिवार वाले अपना काम करेंगे दवाई वाले दवाई देंगे औषधि वाले औषधि देंगे काम करने वाले काम करेंगे पैसा देने वाला पैसा देगा पर भोगना इस शरीर को पड़ेगा वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे आईसीयू में पड़े रहोगे घर के लोगों को 24 घंटे अंदर नहीं रहने देंगे रहने देते क्या बाहर बैठे रहो
कभी कभी अंदर आने देंगे, दर्शन कर लो, देख लो, चले जाओ बाहर, अंदर कोई नहीं आने देगा, तब अंदर कौन रहेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है तुम्हारे पलंग पर, वो शंकर बैठा मिलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण मिलेगा, वो शिव मिलने वाला। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। अपना समय निकालो, भगवान शंकर को एक लोटा जल। दुकान 8 बजे जाते हो, दुकान टाइम पे ही खोलना है, तो 7:45 शंकर के मंदिर चले जाओ। समय दिन में नहीं मिलता, सुबह नहीं मिलता, दिन में बेटा आ जाए तब चले जाओ। तो कहो शंकर के मंदिर कभी भी जा सकते हैं, तो शमशान जाने के लिए कोई मुहूर्त देखा जाता? कोई मर गया तो तुमने कभी सुना पंडित जी को पंचांग में देखो जरा, हमारे दादाजी मर गए इनको कितनी बजे ले जाए, जरा देख के बता। शमशान जाने का मुहूर्त नहीं होता, शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। शिव जी कहते हैं जिंदगी अंत में बिना मुहूर्त के चला जाता है, कोई मुहूर्त शंकर के पास का नहीं होता। शंकर तो अड़भंग बैठा है, कैलाश पर्वत में दरवाजा नहीं है। तुमने कभी सुना कि कैलाश के दरवाजा इधर से जाना, दरवाजा है उधर से जाना? भगवान के बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे लोक में दरवाजा मिलेगा, गौलोक में दरवाजा मिलेगा, पर कैलाश पर्वत पर दरवाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि शंकर जी के पास दरवाजे का काम ही नहीं है। वो कहता है कपाट के चक्कर में झंझट हो, इसलिए दरवाजे का काम नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े जवा जाना, एक लोटा पानी चढ़ा वो अपने घर चले जाना, बाकी का मैं सब निपट लूंगा, तुम तो हाजिरी भरो, रिजल्ट मैं दे दूंगा, तुम क्यों टेंशन कर। इससे तो आने भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन मुसाफिर। अरे केवल रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटे खाले करना पड़ेगा रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कोटे खाले करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है महाराज, बहुत निवेदन, अपनी जिंदगी को पहचान लो, मनुष्य शरीर को पहचान लो, खूब दुकान पर बैठो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, खूब कर्म करो। हम कभी मना नहीं करते कि तुम दुकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, ये आज तक नहीं बोला होगा, एक बात जरूर बोली कि खूब कमाओ और दिल से कमाओ। प्रत्येक महाराज प्रवचन में कहते हैं कि दुकान से मुंह हटाओ, घर से मुंह हटाओ, पर सियोर वाला तो एक ही बात कहता है, तुम 24 घंटे खूब कमाओ, मना नहीं है, क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम हमारी केना मानने वाले हो क्या? तो हम क्यों मना करें, फालतू का झंझट में पड़े, तुम तो खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर भी खर्च करो, क्योंकि ये रहेगा तो ही तो आनंद ले पाओगे जिंदगी का, अगर यही नहीं तो जिंदगी कैसे जियोगे सर? अपने ऊपर खर्च करो, थोड़ी बादाम मदाम, कभी कभी दुकान पर भी जूस बुलवा लिया करो। तुम जूस इसलिए नहीं बुलवाते क्योंकि वहां पे 3-4 नौकर भी रहते हैं, इस चक्कर में तुम जूस नहीं पी पाते, और तुम जूस नहीं पी पाते तो नौकर तुम्हारा जूस निकाल कर पी जाते हैं। इसलिए निवेदन, कोई दिक्कत नहीं,
तीन नौकर हैं तो तीन गिलास उनका भी बुलवाओ, वो भी तो काम करते हैं, कोई बात नहीं। अरे गुरुजी इतना खर्चा हो जाएगा, कोई बात नहीं। शिव कथा कहती है जितने हमारे यहाँ काम करते हैं उतनों के भाग्य का शंकर खुद देते चले जाता है, आप क्या टेंशन लेना। तुम्हारे घर में चार मेहमान आते हैं तो उससे पहले व्यापार अच्छा चल जाता है। लोग कहते हैं दिवाली पे व्यापार अच्छा चलता है, तो दिवाली पे व्यापार क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि दिवाली पे तुम गुजिया बनाते हो, चकली बनाते हो, मिठाई बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए? नहीं नहीं, लोग मिलने आएंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा। जब चार लोग हमारे घर में आते हैं तो उससे पहले मेरे महादेव तुम्हारा व्यापार ऐसा चला देता है कि ये चार आएंगे तो इनके भाग्य का भी तो देना पड़ेगा, इसलिए उनके भाग्य का तुमको इस्तरा देता है परमात्मा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि कोई आएगा तो हमारे यहाँ कम हो जाएगा, नहीं। अगर अतिथि देवो भव, अगर कोई आया है तो उसके भाग्य का मेरे देव अधिदेव ने पहले दे दिया या बाद में देगा, पर देगा जरूर, ये निश्चित। चलो एक अंदाजा लगाना, पहले घर में बेटा था, माता पिता था, छोटा सा मकान था। बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा मकान। अब बेटे की शादी करना है तो क्या विचार करा? थोड़ा सा मकान तो, अरे बोलो जम के बोलो, बड़ा होना चाहिए। बहू आने से पहले मकान बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक कमरे की व्यवस्था तुमने करी कि नहीं करी कि बेटा इस कमरे में रहेगा? सोचो, अभी तो वो आई नहीं है, केवल पक्का संबंध करा है। तो किसी ने कह दिया बहू का पांव अच्छा है, बहू का पांव अच्छा नहीं है, जो हमारे घर में बढ़ता चले जाता है मेरा महादेव उसके भाग्य का देता चले जाता है, जो बढ़ेगा वो दे। फिर किसी ने कहा हमारे दादाजी थे, जब हमारे यहाँ खूब धन था, दादाजी गए तो धन चले गया। मतलब अगर भगवान किसी के भाग्य का दे रहा है तो जो चला गया, अब तुम्हारे यहाँ से जो नौकर चले जाएगा तो उसकी तनख्वाह थोड़ी ना तुम दोगे, तो जो गया उसका हिस्से का देना महादेव ने बंद कर दिया कि अब इसके हिस्से की चाय नहीं दूंगा, इसके हिस्से का खाना नहीं दूंगा। जो आ रहा है उसके हिस्से का दे रहा है, जो चला गया उसके हिस्से का भी चला गया, तो क्यों दुख मन मन क्रोंच गंधर्व ने गलती कर दी। और क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश कर गया, दरवाजा लगा दिया। इतना विद्वान था क्रोंच गंधर्व, कितनी विद्वत्ता क्रोंच गंधर्व में भरी थी। अप्सराओं को ज्ञान देता था, दूसरों को ज्ञान देता था, दूसरों को समझाता था। फिर इसकी बुद्धि कहां गई? इसका विवेक कहां गया जो दूसरे को नीचा दिखा रहा? अगर आपको भगवान ने कोई औधा दिया है, अगर भगवान ने आपको गादी दी है, भगवान ने आपको कुर्सी दी है, भगवान ने आपको किसी अच्छे पद पर बिठाया है, तो इस वाणी से, इस शरीर से अपने द्वारा किसी को नीचा मत दिखाना। अपने द्वारा बन सके तो सबकी बड़ाई करना, सबकी प्रसन्नता करना। सर्वे भवन्तु सुखी नहा, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब खुश रहे, ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने मन से आप भगवान का गुणगान करो। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज दुकान पर नौकरी में जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, सात दिन हिंगोली में जो तुम ये बैठ कर कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये पुण्य तुम्हारा परिवार के लिए नहीं, ये अपने लिए। एक लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है ये कब काम आएगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तब आप कहोगे कि जैसे इनने लिखा कि हमने एक लोटा जल का क्या महत्व हम समझ गए, वो जान क्या महत्व है जल का।
क्या महत्व है शंकर जी के मंदिर जाने का, क्या महत्व है बेलपत्री चढ़ाने का, क्या महत्व है चावल के दाने को समर्पित करने का। चावल के दाने का एक पत्र आया, चावल के दाने का, वो भी सुनिए। देख श्रीमती माया रतनलाल शर्मा, मैं नासिक से हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाई लगा। गुरुदेव आपने 108 खंड चावल का वर्णन करा, 108 खंड चावल बेलपत्र रोज शिव जी को चढ़ाती हूं, भगवान शिव की कृपा से, बाबा की दया से। गुरुदेव मेरा विवाह जिस घर में हुआ वहां गरीबी बहुत थी। गुरुदेव मेरे जाने के बाद मैंने अपने पति को कहकर 108 चावल का दाना शंकर को चढ़वाना प्रारंभ करा और हमने भी चढ़ाया। बाबा गुरुजी क्या वर्णन करूं शिव का, क्या बखान करूं, बाबा की कृपा से चावल का दाना लेकर आप कहते हो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाओ क्या मिलता है। गुरुदेव मेरे जिस घर में शादी हुई वहां पर कुछ भी नहीं था, टीन का मकान छप्पर डला हुआ, बाबा की कृपा से मकान 3 मंजिल का, 10 से 12 नौकर, ट्रक गाड़ी सब मेरे बाबा ने मुझको केवल चावल चढ़ाने से दे दी है। ये शिव, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बाबा मेरी लड़की को 3 कन्याएं, लड़का नहीं था, कितने डॉक्टर का इलाज करा लिया, पर डॉक्टर का इलाज चालू था, 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, सब टेस्ट कराए तो भी नहीं था, तब उससे भी चावल का दाना चढ़वाया और शिव जी की आराधना करवाई, बाबा की कृपा से उसके यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है। शिव की कृपा से हम नासिक में हैं, भगवान शंकर की नगरी ही है जहां शिव की आराधना करते हैं। ये ओघड़ी है, मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा दातार कोई साधारण नहीं हो सकता। हम तो एक ठेला चलाने वाला है ना, उसको भी कहेंगे कि ठेला चलाने जाओ, पर इससे पहले एक लोटा जल चढ़ा जाओ। बेलपत्री नहीं है ना, जो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है ना, उसी को उठाओ, धोओ, चढ़ा, वही चढ़ो, उसका फल कितना है, उसका आनंद कितना है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो मेरे भोले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी किस्मत का ज
जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला हो, मेरी किस्मत का जब गुल खिला। हिंगोली वालों, ये लाइन आप लोगों के लिए, अग्रवाल परिवार, ये लाइन आप लोगों के लिए जो जजमान बने हैं 7 दिन के प्रतिदिन पूजन के, ये लाइन आपके लिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा करके ये दर मिला हो, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया ये सबसे घरी हो, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे घरी। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से। हिंगोली वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि शिव महापुराण की कथा वो भी सावन भादो के महीने में यहाँ श्रवण करने को मिल जाएगी, सोचा नहीं होगा, पर कहीं पुण्य इकट्ठा हुआ होगा तो हो गई महाराज। ये शिव हो तिजोरी का माल लुटाया है, ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये कुबेरेश्वर बाबा की तिजोरी का माल है। सीहोर से हम आते हैं कुबेरेश्वर धाम से तो अकेले नहीं आते, हमारा बाबा स्वयं अपनी तिजोरी खजाना लेकर चलता है। जिसने 7 दिन में बटोर लिया जो रे गया वो रे गया, जिसने बटोरा वो 3 महीने में देख लेगा कि क्या क्या मिल गया, जो रह गया वो रह गया जो रह गया। हिंगोली के बाहर से ढेर लोग कथा सुनने आ रहे हैं, हाथ उठाओ रे जो हिंगोली के बाहर के, जरा निगाह उठा के देखिए कितने लोग बाहर से, हिंगोली के बाहर से जो कथा सुनने आए उनको देख लो, रख लो। अब जो हिंगोली के हैं वो हाथ उठा लो जरा, ये देखो। अब जरा विचार करिए, धरिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2-5 हजार रुपए का डीजल भी लगाया होगा, ड्राइवर भी करा होगा, गाड़ी भी लाए होंगे, 2-3 घंटे चलकर रास्ते से यहाँ तक आए होंगे, भूखे प्यासे कैसे कैसे रहे होंगे, वो तो यहाँ पर संस्थाओं ने बहुत सेवा कर रखी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सेवा करी है महाराज। श्री गजत राज बाबा गणेश मंडल ने, श्री उड़ावा फ्रेंड्स क्लब ने, श्री विशाल व्यायामशाला ने, तुलसी मानस मंडल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे व्यायामशाला ने, हनुमान व्यायामशाला ने यहाँ बहुत व्यवस्था कर रखी है। मारवाड़ी युवा मंच हिंगोली ने निशुल्क सेवा रहने की, भोजन की निशुल्क व्यवस्था और सुबह दोपहर शाम चाय भोजन की व्यवस्था निशुल्क रख रखी है। इतनी सेवा यहाँ के जो लोगों ने करी है, धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे युवान बेटा बेटी जो सेवा में लगे हैं, लड़के जो युवान बेटा बेटी लगे हैं, जो अपना दुकान छोड़कर यहाँ भोलेनाथ की सेवा में लगे हो, चिंता मत करना, मेरा शंभु, तुमने उसको समय दिया है, वो तुम्हारे लिए समय निकाल कर दौड़ कर आएगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण लेकर नहीं आए, कुबेरेश्वर बाबा खुद खजाना लेकर आता, जिसने बटोर लिया जो रह गया वो रह गया। आस्था चैनल के सामने बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, ये अंदाजा लगाकर सुनना कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा और एक ना एक दिन मुझे भी शिव महापुराण की कथा में बैठने का मौका मिलेगा, मेरा बाबा मुझे बैठाएगा, विश्वास है। आज उड़ीसा से भी कुछ लोग कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ, उड़ीसा से जो आए हैं, कहाँ बैठे बाबा, उड़ीसा वाले
खड़े हो जरा, कहाँ बैठे हैं आप? ही हैं श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। उड़ीसा से भी लोग कथा को स्मरण करने के लिए यहाँ पधारे। शिव शंकर की कृपा, करुणा, उदारता, क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो ऊंचे स्थान पर बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो इंद्र के पास बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ज्ञान उपदेश देता था, वो क्रौंच गंधर्व ही आज मनोमयी का स्वरूप देखकर, सुंदरता देखकर उनके घर में प्रवेश कर। देखिए नयन बहुत पाप करवाते, नयन बहुत पाप करवाते हैं। एक बगीचे में संतरे देखे आंख ने, किसने देखे आंखों ने? लालच जाग गया जीवान को, जीवान ने कहा मन को, मन ने कहा पांव को, चलो पांव गए वहां, पांव चढ़ गए ऊपर, पांव ने कहा हाथ से तोड़ लो, हाथ ने तोड़ा लेकर नीचे आए। खाए आंख को क्या मिला? बोलो तो जम के, कुछ नहीं। माली आ गया, पकड़ा, पीठ पर डंडे ही डंडे मारे। बताओ, देखी थे इसने, कहा इससे, इसने पांव से, पांव ने हाथ को, हाथ तोड़कर लाया, जीवान को संतुष्टि मिल गई, पेट में संतरा गया, मार पीट को पड़ गई और रो। आंख ने पूछा, मुझे तो खाने को भी नहीं मिला, फिर मैं रो क्यों रही हूं? तो संत ने कहा, देखा तू नहीं था इसलिए रोना तुझे ही पड़े, दूसरा नहीं दिखा है इसलिए रोना तुझे पड़े। दूसरा नहीं रोएगा साहब, रोना तुझे पड़ेगा। और रोए शिव पुराण कर रही है, क्रौंच गंधर्व इतना विद्वान होने के बाद गलती कर गया और पहुंच गया मनोमयी के कक्ष में। जैसे ही मनोमयी के कक्ष में गया, मनोमयी को तो लगा कि मेरे पति शंकर भगवान का विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे। रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बैठी थी और क्रौंच दरवाजा बंद करे इतनी देर में, बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ क्रौंच गंधर्व ने पकड़ा था। इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी। शोभरी ऋषि आए, दरवाजा बंद था, मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, क्रौंच गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने जो चिल्लाई, शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे। क्रौंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया, अरे एक क्रौंच तू गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठता, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो। बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है, बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है। मक्खी सब्जी पर बैठती है, सब्जी तोली जाती है, मक्खी उस सब्जी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी कबाड़े के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी दूध दही के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी रद्दी के साथ तुलती है
तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर मक्खी सुनार की दुकान पर जाकर सोने पर बैठ जाए तो कांटा धीरे धीरे आगे पीछे होने लगता है। मक्खी की कीमत 5,000 हो जाती है। 5,000 एक मक्खी का वजन 5,000 हो गया, क्योंकि सोने पर जाकर बैठ गए। कवाड़े पर बैठी थी कोई कीमत नहीं, सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, दूध दही पर बैठी कोई कीमत नहीं, और वही मक्खी जब सोने पर बैठी तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह ये विचार करा करो कि कथा में बैठे हो तो कीमत कितनी है आपकी, जरा विचार करिए। और वो चौराहे पर बैठ जाओ, जबरदस्ती गप्पा मारो ने पानी की दुकान पर खड़े रहो और गप्पा मारो तो के हाँ कहीं कर लूं गाड़ा होगा, कौन जाने की ऐसी अवड़ला है तो कहीं काम का है, खड़ा है तो खड़ा, कौन पूछे उसको, कौन जाने उसको, कौन देख रहा है कीमत। अच्छी जगह बैठने की कीमत है कितनी, यही कागज, ये कागज होने ना इतने इतने सारे, यही कागज अखबार में काम आता है। बोलो आता है कि नहीं आता अखबार में, अखबार में काम आता है तो अखबार छपता है, अखबार छपता है तो उसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस अखबार पे बाद में समोसा खाते हैं। बोलो सही है कि गलत है। यही कागज जो अखबार में लगा वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दो, उस पर रामायण गीता छप जाए, भला कोई रामायण को फाड़कर समोसा खाएगा नहीं। अखबार वोई की वोई है, बस प्रेस का अंतर है कि अपने गांव की प्रेस में छपा तो समोसा बाद में खाओगे, और वो गीता प्रेस गोरखपुर में छप गया तो पूजन कराओगे। अगर कथा में जाकर बैठ गए, अच्छी प्रेस में आकर बैठ गए तो ये अखबार भी एक ना एक दिन पूजा जाएगा। और यही अखबार कहीं गलत जगह जाकर बैठ कर बैठ गया, मदिरा की दुकान पर, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसार में, तो अखबार में फोटो तो छपेगा, मरना नहीं। अभी भी छप रही है, तुम आस्था चैनल पे आ रहे हो, कितने जोरदार जोरदार सब, जैसे ही तुम्हारी साइड कैमरा जाता है ना तुम तुरंत कितनी इतना अंदाजा तुम लोगों को रहता है कि कैमरा आया, तुरंत कितना अंदाजा लगाकर बैठ गए कि कैमरा पहुंचा और तुम्हारा व्यवहार चेंज हुआ तुरंत। बस जैसे तुमने अपना व्यवहार चेंज करा, ऐसा ही कैसा ही तो भगवान करा कि कथा तुम में पहुंची और तुम लोटा लेके शंकर जी के मंदिर जाओ तब लगे कि व्यवहार चेंज चेंज तो होना चाहिए ना, कथा का इफेक्ट तो पड़ना चाहिए, अंतर तो आना चाहिए। कितना कहते हैं लोग हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, कब सुधरोगे, नहीं बहुत दिन और तारीख निश्चित करना रह गई थी बस, बाकी कर कोई बात नहीं, तुम सुधरे सुधराए तो, जब तुम्हारे आने से पूरा घर सुधार दिया तुमने तो फिर सुधारने वाली बात ही नहीं, तुम सुधरे तो हो, सबका समय चेंज कर दिया तुमने आते से ही, तुम्हारे आने से चेंज हुआ है तो तुम बदल सकते हो। प्रत्येक मनुष्य में वो बल होता है कि वो तख्ता बदल सकता है। जब कलयुग को एक लोटा जल चढ़ाकर तुम शिव युग बना दिए हो तो कोई साधारण नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकते। आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, छोटे से छोटे शंकर मंदिर में भी जरा जरा से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। नवयुवक बच्चे सिर पर त्रिपुंड लगा रहा है, बेटा बेटियों को शर्म नहीं आ रही गले में रुद्राक्ष पहनने में, क्योंकि उनको मालूम है अगर गले में रुद्राक्ष होगा तो किसी की हिम्मत नहीं,
बल देता है शंकर का रुद्राक्ष। शिव का वो रुद्राक्ष बल प्रदान करता। कई माताएं पूछती हैं हम मंगल सूत्र पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष? मंगल सूत्र के साथ में रुद्राक्ष का एक दाना भी अगर आपके साथ में है तो ये निश्चित है कि तुम्हारे गले का मंगल सूत्र कभी नहीं उतरेगा, ये निश्चित है। रुद्राक्ष कोई साधारण है क्या? एक एक देवी मैया का फोटो का दर्शन करना, सती मैया का, कात्यायनी का, दुर्गा का, उमा का, कालरात्रि का, स्कंदा का, सबके गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी। ब्रह्माणी का, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जितने ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हो गए एक एक का स्मरण करिए, सबके गले में रुद्राक्ष मिलेगा। आखिर रुद्राक्ष में सब क्या है? कहा सामने अगर काल भी आ रहा है तो रुद्राक्ष आपके गले में है तो कुछ देर तो वो काल से भी लड़ लेगा। अटैक आ भी गया तो थोड़ी देर तो वो लड़ सकता है, बलवान है तो तुम्हारे प्राण जाने इतनी जल्दी नहीं देगा। एक बार दम तो रुद्राक्ष लगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का चाहिए। शिव कथा कर रही है। सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से ही पहचान गए तू तो गंधर्व है रे, तू तो ऋषि मन इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है। और अभी पूजन कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा, गजब। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम में हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींचने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोभरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देखकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे बिना पूछे मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है तो सोबरी ऋषि ने कहा ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का, नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, ना दूध, ना भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है, इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती, रात भर पांच समय, वैसे आठो याम का समय पूजन करो मना नहीं, पर पांच समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से, जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है।
मौली चंदन रौली हल्दी अभीर गुलाल चावल सब शिव को समर्पित कर फूल पत्तियां शमी पत्र बेल पत्र आंख का फूल जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प सात वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इधर हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरताली का व्रत होता है हरताली का तीज होती है वहीं जहां शिवलिंग बनता है माताएं पूजन करती हों वहां फुलेरे का दर्शन वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है हरताली का तीज का जो व्रत है ये मरते दम तक नहीं छूटता आखिरी तक भी ये व्रत रहता है इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया कथा सुनकर किसी और वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का जहां हरताली का पूजन होता है जहां हरताली का तीज का पूजन होता है वहां फुलेरा बांधना चाहिए। हाँ शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते हो फिर कोई मना नहीं उसका दर्शन आप कर सकते उसका स्मरण आप कर सकते। दूध दही शहद घी शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर संकल्प कर हरताली का तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल फ्रूट मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा दे। पर ये नहीं दिखाना शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना शंकर भगवान के सामने उसके पूजन के थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐप नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में पूजन में अगर ऐप निकालते हैं मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं सास अगर पूजन करती है बछवारस की पूजन करी तीज की करी चतुर्थी की करी तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है मुंह बनाती है बहुएं तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ कभी मुंह टेढ़ा मत करो कभी मुंह ना सड़ाए क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन वो मुंह ऐसा ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा जैसा तुमने सड़ाया वैसा ही वो सड़ा देता है। इसलिए कभी बन सके तो किसी कार्य में हाथ अड़ाओ हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए अच्छे कार्य के लिए पर अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं हो दूंगा मैं ये नहीं करने दूंगा। अच्छा करे करो सास कर रही है ना पूजन सास ने बोला ना बहू हरताली का तीज है ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे प्रसन्न चित्त से करो अच्छे दिल से करो आवाज बढ़ाओ अच्छे दिल से करो प्रसन्न चित्त में करो मन से करो ना उसको स्वीकार अच्छे दिल से करिए आप
प्राप्त हो। माँ ने कहा 16 सोमवार के व्रत करें, किसी ने संकट सोमवार, किसी ने करें 16 सोमवार संकट सोमवार करें, रखो हाथ। उसमें कथा आती है, राजा ने रानी से कहा पूजन का सामान ला के रख दे। रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा जाओ पूजन का सामान रखिया, और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की। उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाइए, प्रसन्न होकर लाइए। हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ मैं कर देती हूँ, मैं तैयारी कर देती हूँ, मैं ये काम कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ, प्रसन्न होकर, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको कर। और जब आप किसी कार्य को प्रसन्नता से करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेगा। क्रोंच गंधर्व से सोबरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ते से ही सोबरी ऋषि ने कहा मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता मोक्षता नहीं मिलेगा, तू इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा, तो मुझे करना क्या है। कहा मनोमयी के चरण पकड़ ले, जिसने पूरी रात जागकर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़, उसके चरण जब पकड़े क्रोंच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो, मैं तुम्हें वर देती हूँ, मेरे पति ने तुमको चूहा बनाया है, मूसक बनाया है, पर तुम मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रखाओगे। ये क्रोंच गंधर्व को वर दिया। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं और जितने हिंगोली में सुन रहे हो। क्रोंच गंधर्व को सोबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो, क्यों? क्योंकि मनोमयी ने व्रत करा था, साधना करी थी, उपास करा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहु पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहु को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहु पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है। मात्र पूजन करने वाले, अब इसको लोग समझते तो है नहीं, उनने कहा महाराज जी हाओ पांव पड़ने से कुछ होता है, अगर पांव पड़ने से कुछ होता होता तो बात दूसरी है, तो शिव पुराण उठा के देख लो मार्कंडे जी की उम्र कितनी थी, मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को मरना, प्राण छूटना थे मार्कंडे बाबा को, पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझ कर प्रणाम कर लिया, छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडे को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब शंकर के गण वहीं पर खड़े थे, उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडे, इस मार्कंडे ऋषि को, इस मार्कंडे को कोई मार नहीं सकता, क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया, पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया, पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया इसको, मार्कंडे ऋषि
का लेख चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माताजी आप स्त्री के वेश में एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव आयुष्मान भव, याद करो। माता बोली हाँ मैंने आयुष्मान दिया था, मैंने वर दिया था बस। तो इस बालक की आयु आपके आशीर्वाद से बढ़ गई है। जब जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे को भी चिरंजीवी आयुष्मान होने का और जीवन में सुखी होने का वर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। कुरुंच गंधर्व से गलती हुई और वो गलती माता के चरण पकड़कर वर प्राप्त हो गया कि जहां गणेश जी होंगे वहां मूसक के रूप में तू विराजमान होगा, तेरी भी पूजन होगी। तो गणेश जी के साथ में जो चूहा होता है, गणेश जी के साथ में जो मूसक होता है, वो क्रोंच गंधर्व वर प्राप्त हो, आनंद प्राप्त। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा हरतालिका शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। आज कथा का पांचवा दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। दो दिन की कथा और है, छठा दिन और सातवां। बड़े प्रेम से आप और हमको मौका मिला है, अधिक से अधिक आनंद लेकर कथा का रसत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं, आनंदित बने और भाव से आज की कथा को यहाँ विराम